नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं रोहित शर्मा और ये तस्वीरें इस वक्त कासिम नगर से आप देख रहे हैं। इससे पहले भी बात कर रहे हैं तो SHO बागे बहू आरती ठाकुर द्वारा यहाँ पर नशे के खिलाफ जो बीड़ा उठाया और लगातार रेड्स जो है इन एरियाज में की जाती हैं और आज भी जो है SHO बागे बहू है वो यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले भी बात करें तो इसी जगह पर रेड्स जो है यहाँ पर की गई थी और रिकवरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर देखी गई थी। और तीन चार जो साइकिल वाले हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे मैं मेरी दो बेटी एक बेटा है। बेटा क्या करता है? छोटा बेटा मैं। बच्चा छोटा? दो साल का। बेटी ढाई साल की है, एक बेटी 10 साल की है, पढ़ते हैं दोनों बेटी। देख, चोरी का सामान किसी से नहीं लेना। सर मैम, आप पहले भी आए थे इसीलिए समझा रहे हैं ना। अब मैं देखा, मैं अंदर घुस रहा, हम चक्कर मार रहे हैं तो अंदर को दौड़ नहीं। मैम मैं मंदिर जाने का टाइम हो गया, मैं मंदिर डेली जाता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ। गलत काम नहीं करना मैम। मुझे सर 18 साल हो गए, मैं मुझे दुकान काम करता हूँ, एक भी दुकान नहीं हो गया। सर ऐसा बंद देख सकते हैं कबाड़ भरा हुआ है यहाँ पर और ऐसे कबाड़ की आड़ में जो है काफ़ी सारे काम यहाँ किए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ पूछताछ की गई और इससे पहले भी इसी जगह पर जो है रेड की गई थी, रिकवरीज भी यहाँ से की गई थी। इन दो इलाकों की बात करें यदि राजीव नगर और कासिम नगर, तो यहाँ पर इससे पहले भी जो है इसी प्रकार की छापेमारी की जाती है। और नशे की बात करें तो यहाँ पर नशे की तस्करी जो है वो करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं उनकी बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे और प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। जो ऐसा सामान खरीद रहे हैं उनका ध्यान है बताना है थाने में। ठीक है, देख सकते हैं आपकी मेडिकल शॉप है और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जारी की गई हैं कि यदि आपसे कोई भी सिरिंज खरीदता है या कोई इंजेक्शन खरीदता है तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर की उसको चेक किया जाए, क्योंकि जो नशा यहाँ किया जाता है उस उसके लिए इंजेक्शंस जो हैं वो यहाँ से ख़रीदारी ज़रूर होती होगी। ये कुछ इनपुट्स हैं जिन इनपुट्स के साथ पर्टिकुलर कुछ घरों में जो है वो ये छापेमारी की जा रही है। अपनी पूरी टीम के साथ SHO बागे बहू आरती ठाकुर जो है लगातार तफ्तीश और पूछताछ यहाँ पर करते हुए। चलो चलो, घर आप लोग क्या हो गया? चलो
भाई जी ने कहा सामने वाले कहा गया सामने वाले इधर इधर आजा उधर आजा इधर है नहीं कोई यहाँ पे कोई ऐसा बंदा काम करता हो टेढ़ा मेढ़ा तो दिखे तो उसको एकदम से उसकी रिपोर्ट करनी ठीक है ये नहीं करना कि चीजों को किराएदार तो नहीं रखा कोई किराएदार रखोगे तो उसकी वेरिफिकेशन करानी है टेनेंट वेरिफिकेशन करानी उसके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं आगे पीछे भी बाकियों को बोलना है पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि जो किराएदार रखे जाते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है हेलमेट क्यों नहीं डाली है ये हेलमेट क्या काम करता है मैकेनिक तलाशी भी यहां पर ली जा रही है यदि कि जो चहल पहल यहां पर रहती है जो खास करके यंगस्टर जो यहाँ पर इस प्रकार घूमते हैं उन पर शक जो है वो रहता है और जो किराएदार रहते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस पुलिस की तरफ से जारी की गए हैं कि प्रॉपर समय पर जो है उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो थानों में रजिस्टर करवाई जाए तो जो लोग जिन्होंने किराएदार रखे हैं उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है कि आपने जो किराएदार रखे हैं क्या उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन थानों में करवाई है या नहीं करवाई है कहाँ रहते हो कासिम नगर राजीव नगर नहीं नहीं क्या काम करते वेरिफिकेशन कराइए महीना हो गया तो वेरिफिकेशन नहीं कराई फोटो और वो आधार कार्ड दे दिया सर वो दिया उनको दे दिया वो हादसा बीमार है वो हम जाएंगे साथ आपको महीना हो गया अभी तक नहीं गए अपने मालिक को बोलना है थाने में जमा कराओ कल आएंगे कल सवेरे 10 बजे पहुंचो उधर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ डॉक्यूमेंट क्या लाना सर आधार कार्ड मालिक को लेकर आना कहां सर दरवाजे रहते हैं बागे बहु में अभी तक तुझे ये भी नहीं पता तू कहाँ रहता है सर मैं उधर था ना विमाल में हमें नरवाल में दी है सर नरवाल में नहीं अभी तो बागे बहु के एरिया में रहता है तो बागे बहु थाने में देना ठीक है सर कल आएंगे 10 बजे कहाँ का है भूल से लगान सर भूल से यहाँ कैसे आया मंडी मैं सब मंडी मुझे 28 साल हो गए सर पहले कब से रह रहा है यहाँ यहाँ मैं जम्मू उधर रहता था विमाल के पास सर फिर उसके बाद मंडी में ही रहते थे हम सर रहते हैं बच्चे आएंगे बीवी है पूछताछ लगातार जारी है जिस पर भी शक पाया जाता है उनको रुकवाया जा रहा है पूछा जा रहा है क्या अगर वो किराएदार हैं तो प्रॉपर अपने आधार कार्ड के साथ कंसर्न थाने में रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई है क्योंकि ये वेरिफिकेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है ऐसे एरियाज़ की बात करें चाहे राजीव नगर या कासिम नगर तो खास करके सर्दियों के इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं और किराए पर यहाँ पर रहते हैं लेकिन जब वो नहीं करवाते जिससे कि जब कोई अपराध सामने आता है तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना कासिम नगर का ये इलाका है बात करें कासिम नगर राजीव नगर दोनों इलाकों में जो है सामने निकल कर आते हैं लीड्स लगातार यहाँ पर जाते हैं राजेंद्र की भी बात करें तो उनका भी लगातार छापेमारी पुलिस की तरफ से की जाती है और रिकवरी की भी बात करें तो वहाँ पर मोमोज
जरूर की जाएगी। नशे के खिलाफ बूढ़ा जम्मू पुलिस में जो है इस प्रकार की छापेमारी ऐसे इलाकों में बहुत जरूरी। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर घर का सामने ले सामने घर में घर के स्टूडेंट हो हां जी इलाम का बाल के बना रहे हो मैं वो स्टेट के बाद ना बाल कहां पड़ता है ठीक है छापेमारी के दौरान रिकवरी की गई है नशीले कई ऐसे कानूनी काम प्रावधान किए जाते हैं। इस समय यहाँ की यहाँ ये आप देख सकते हैं ये झाड़ियों में इससे पहले भी कई बार जो लोग नशा करते हैं वो ऐसी जगहों पर जो है वो छुपकर नशा करते हैं लेकिन ये रात का समय है इस वक्त। यहाँ पर सर्च जो है वो की जा रही है ताकि केसेस काफ़ी सारे जो है यहाँ से निकल कर सामने भी आए हैं। कई बार यहाँ पर ओवरडोसेस की वजह से कैजुअल्टीज डेड बॉडीज जो है वो भी यहाँ पर नज़र आती हैं और एरियाज में ये वो रास्ता है और इस जगहों से बात करें ये काशीनगर के साथ लगता थोड़ा जंगल का इलाका है जहां पर कई बार नशा करते हुए लोगों को पकड़ा भी गया है और हाल ही में बात करें पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर 5 से 6 कैजुअल्टीज भी पाई गई हैं ओवरडोसेस की वजह से। मौतें यहाँ पर देखने को मिली हैं तो बेहद ज़रूरी भी रहती हैं इस प्रकार की रेड्स इस प्रकार की छापेमारी ऐसे इलाकों में ताकि समय रहते ऐसे केसेस पर जो है वो लगाम कसी जा सके और नशा करने वाले लोगों को या तस्करों पर जो है वो कार्रवाई समय रहते की जा सके। रिकवरी भी जो है वो यहाँ पर सामने निकल रहा है। इससे पहले भी बात करें तो
रेड्स यहाँ पर की गई है SHO आरती ठाकुर द्वारा, और रिकवरीज और कुछ गिरफ्तारियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर सामने पेश आई। आज भी कई घरों में जो है वो इसी प्रकार छापेमारी की गई है। फिलहाल कोई रिकवरीज यहाँ पर आज सामने नहीं आई, लेकिन एक अच्छा कदम जम्मू पुलिस का नशाखोरों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ, और ऐसी जगहों पर जो जगहें आइडेंटिफाइड हैं, जो जगहें पता है कि ऐसी जगहों पर इस प्रकार की इंसिडेंट्स, इस प्रकार के लोग जो है वो सामने आते हैं, वहाँ पर ज़रूरी भी होता है कि इस प्रकार की रेड्स, छापेमारी, पूछताछ यहाँ पर रूटीन में की जाए, ताकि मोहित क्या तू पिछड़े थोड़े का नहीं रहे चल रहा है। आप देख सकते हैं घरों में जाकर जो है ये छापेमारी, यहाँ पर घरों में घुसकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। जहाँ पर भी थोड़ा संदेह या थोड़ा शक पाया जाता है वहाँ पर तलाशी की जा रही है। घर के अंदर जाकर जो है वो इस इलाके में ये पूछताछ जारी है, ताकि यदि कोई रिकवरी या कुछ यहाँ पर पाया जाए तो कामयाबी जो है वो आगे वो पुलिस को ज़रूर मिलेगी। चोरी करता था लोगों के घर में जाके, पहले किया था ना तो मर जाएगा जल्दी। ये इधर इधर ये छोड़ दे ये काम, ये क्या ये क्या किया तूने? ये छोड़ दिए हुए हैं ऐसे ही जख्मी हो गए। इसको डाला था वहाँ नशा मुक्ति रिहैब रिहैब सेंटर में। तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार जो है एक छोटी उम्र का ही ये युवक है, लेकिन बाजू पे जिस हिसाब से निशान है, बताया जा रहा है कि चोरी के मामले में भी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद लगातार इंजेक्शन से जो है नशा युवक द्वारा लिया जाता है। पूरी बाजू के जो दृश्य आपने देखे उसमें आप देख सकते हैं कि शायद ही बाजू में कोई जगह ऐसी बची होगी जहाँ पर इस सिरिंज के या सिरिंज द्वारा जो नशा लिया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है, उसके कोई निशान ना हो। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जागरूक भी ज़रूर करेंगी सोसाइटी को कि जब इस प्रकार का आप नशा करेंगे तो ज़्यादा उम्र नहीं है, ले जवान युवक हैं और
यार तू इधर आ जा काउंसलिंग भी की गई जा रही है, समझाया जा रहा है लड़कों को युवकों को जो कि इस नशे में लुप्त हैं, समय रहते यदि संभल जाए तो जान बच सकती है। अगर इसी प्रकार जो तस्वीरें आपने देखी, जो हालत देखी बाजू की, यदि इसी प्रकार यही नशा तस्करी यही नशाखोरी चलती रही तो जो रास्ता भटक चुके हैं युवक आने वाले समय में बड़ा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन यदि इसी प्रकार की छापेमारी पूछताछ रेड्स फिलहाल इस युवती को यहां से लेकर ज़रूर जाया जाएगा क्योंकि पूछताछ की जाएगी, जांचा जाएगा कि कहां से युवती को लाया गया था, किस कारणवश लाया गया। फिलहाल यहां से रिकवर हम कह सकते हैं कि इसको यहां से किया गया, कहीं ना कहीं रेस्क्यू भी माना जाएगा। लोकल नहीं है युवती, जिस घर से बरामद किया गया है कोई आपसी रिश्ता आपसी ताल्लुकात नहीं देखे गए। कहाँ से आई है लड़की? ये बनारस से आई। बनारस से क्यों लाए हो? क्या मैंने लाई है, खुद आई है। आपने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया था क्यों मैं गई थी? उस परसों चौथ भी गई थी नीचे तो मैडम है नहीं थी, परसों भी गए थे हम। चलो कोई नहीं, अभी मैडम चलो प्लीज पूछताछ का विषय रहेगा क्योंकि बनारस से बताया जा रहा है इस युवती को। यहाँ जो इस औरत है वो बता रही है कि खुद जो है वो यहाँ पर आई है। अब ये पूछताछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहने वाला है कि बनारस से युवती यहाँ पर क्यों लाई गई, किस कारण आई और क्या कर रही थी इस घर में। ये आस पड़ोस से जो है पूछताछ की जा रही है ताकि कुछ और सुराग जो है वो मिल पाए। ये तस्वीरें हैं ऐसी, जब रेड्स ऐसी छापेमारी जब की जाती है ये सब सामने निकल कर आता है। बेहद ज़रूरी रहती हैं ऐसी रेड्स क्योंकि आप साफ तस्वीरों में आपने देखा कि लाइव रेड के दौरान एक युवती को यहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया गया, रिकवर किया। वो थोड़ी बात है, लड़की कौन है, इतनी बड़ी लड़की कहाँ से आ गई? बोलती है हमारी बेटी, हमने कितनी बार पूछा, मतलब इसका आधार। बनारस की बेटी कहाँ से आ गई इसके पास? ये कब से रह रही लड़की यहाँ पे? ये तो काफी एक साल होने लगा। ये लड़की कब आई है? काम क्या करती है? ये कोई कितने बच्चे हैं? इसको वेरीफाई करना चाहिए ना, ऐसे आपने रखे हैं ये? हमसे ये अभी 2 महीने से। अपनी मदर इन लॉ को भेज दो थाने में, जो कुछ उनको भेजना थाने में, ठीक है? उनको लगातार आप देख सकते हैं कि बाकी थाने में आप बता रहे इंस्पेक्टर आप यहां पर यहां पर मौजूद हैं। कौन है ये, कहां से? ये हमारे किराएदार हैं। तो आपने इनकी वो वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी? नहीं नहीं करवाई हुई है। तो जो लड़की जिसको रिवर रिकवर किया गया उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, वो कौन है? वो तो नहीं, हमने बनारस से खुद चल कर आई है। जो इनकी फैमिली के 4-5 मेंबर हैं ना, हमने उनकी वो पुलिस स्टेशन में आधार कार्ड फोटो वगैरह सब कुछ दिया। पूछा नहीं आपने कौन है लड़की का? हमने पूछा एक दो बार, कहते हैं हमारे रिलेटिव हैं ये। अब इनके ज़्यादा किराएदारों के घर में हम घुस नहीं सकते हैं ना, अब तो हमने बस वही जाना किराए लेने, और क्या काम है हमें।
तो ये जांच का विषय रहने वाला है। और जांच का विषय रहने वाला है, मकान मालिकों द्वारा बताया जा रहा है कि पूछताछ की गई, पहले भी पूछा गया तो ये बताया जाता था कि हमारी कोई रिश्तेदार है, लेकिन आज जब यहाँ से इस युवती को रिकवर किया, सामने लाया, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय रहेगा। जो महिला है उसकी तरफ से ये बताया गया, जिसके घर पर ये रह रही थी युवती, कि यहाँ की नहीं है, बनारस से आई है और हम नहीं लाए, ये खुद चलकर आई है। यदि खुद चलकर आई है तो क्या वेरिफिकेशन थाने में करवाना ज़रूरी नहीं था? बहुत अहम रहती हैं रेट्स, और ऐसी रेट्स के दौरान जब इस प्रकार की रिकवरी सामने निकल कर आती हैं, रेस्क्यू इस समय ये कह सकते हैं हम कि एक युवती जो बनारस से यहाँ आई थी उसको फिलहाल रेस्क्यू करके पुलिस द्वारा यहाँ से लेकर जाया गया। फर्दर क्या रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन का एक मैटर रहेगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके बाद पता चल पाएगा किस कारणवश जो है इस युवती को यहाँ पर लाया था। साथ साथ नशा करने वाले लोगों की तस्वीरें भी आपने यहाँ से देखी, किस प्रकार जो नशे में वह लुप्त हैं और इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लगातार अपने जीवन को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। बहुत अहम ये रेट्स रहती हैं और आज इस रेट के दौरान फिलहाल इसे युवती को जो है यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी बने अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।